आज हम न्यूमेरिकल लिस्ट पे काम करेंगे, तो उससे पहले आपको दो तीन छोटी छोटी सी चीज़ें बतानी है, वो देख लो पहले। तो अगर आपको दो नंबर को डिवाइड करके आपको उस नंबर का सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ 9/2 क्या होता है, तो आप कहोगे 9/2 होता है 4 रिमाइंडर 1, आप ऐसा कहोगे। ठीक है, 9/2 क्या होगा, 4 रिमाइंडर 1। ठीक है, अगर आपको ये 4 नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड के साइन की जगह मोड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करोगे, मतलब कि परसेंटेज साइन। ठीक है, इसको बोलते हैं मोड्यूलो। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ रिमाइंडर देता है हमें। ठीक है, अगर आपको किसी की पावर करवानी है, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि 2 की पावर 3, तो पावर लिखने के लिए आप क्या करोगे, डबल स्टार यूज़ करोगे और 3, 2 की पावर 3 8। ओके, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, अगर 2 की पावर 2 तो 4। ठीक है, तो इससे आपको मिलेगी पावर। ठीक है, अब काम करते हैं हम न्यूमेरिकल लिस्ट पे। ठीक है, हम देखेंगे कि हम अपनी न्यूमेरिकल लिस्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप ऐसे इसमें नंबर डाल दो, न्यूमेरिकल लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, पर हम यूज़ करेंगे रेंज फंक्शन और लिस्ट फंक्शन। जैसे कि मुझे अपनी लिस्ट तैयार करनी है 1 से लेके 10 तक नंबर हो जिसमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर यूज़ करूँगा मैं रेंज फंक्शन। ठीक है, लिस्ट फंक्शन और फिर रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में मैं रेंज रखूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे अपनी लिस्ट प्रिंट करवानी है 1 से लेके 10 तक, तो मैं रेंज रखूँगा 1 से लेके 11 तक। ओके, अब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये रही मेरी लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर है वो प्रिंट करवाने हैं, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। उसके लिए आप यूज करोगे ये मोड्यूलो। ठीक है, इस वीडियो को पोस्ट करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होना था। ठीक है, तो 4 i in x, i मैंने कुछ भी वेरिएबल मान लिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 11 तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं i की वैल्यू चेक करूँगा। ठीक है, अगर i को डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आए, ठीक है, इफ i मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो प्रिंट हो आई। ओके, तो ये था कि हम इस लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर कैसे प्रिंट करवाएं। ठीक है, 2 4 6 8 10। ओके, तो ऐसे होना था ये प्रोग्राम। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक और लिस्ट बनाइए। ठीक है, इस लिस्ट को यूज़ करके एक लिस्ट बनाइए, नवी लिस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, जो कि क्या करे, 1 से लेके 10 तक नंबर्स का स्क्वायर करके स्टोर करवाए अपने अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं आपको बताता हूँ अब कैसे होना था। तो उसके लिए आप एक एम्प्टी लिस्ट मान लीजिए, ठीक है, जो नंबर का स्क्वायर करवाए। जैसे वाई नाम की लिस्ट में क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक नंबर के स्क्वायर होंगे। ठीक है, उसके बाद 4 i in x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे i का स्क्वायर करवा दूंगा एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल मान लेता हूँ कुछ भी, उसके बाद डबल स्टार, ठीक है, times 2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, y नाम के वेरिएबल में, y नाम की लिस्ट में अपेंड करवा लूंगा a। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा लूंगा y, तो 1 4 6 1 4 9, तो 1 से लेके 10 तक मेरे पास स्क्वायर आ चुके हैं। अगर आपको अपनी लिस्ट में क्यूब स्टोर करवाने हैं, तो यहाँ पे 2 की जगह लिख देंगे आप 3, तो यहाँ पे क्यूब स्टोर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं जो चीज़ समझाऊंगा आपको, वो ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये थी हमारी लिस्ट, कि हम ऐसे लिस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, न्यूमेरिक लिस्ट को। ठीक है, तो जैसे कि लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, एक्स नाम की एक लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, हम इस लिस्ट में स्क्वेयर करा सकते हैं। पर हमें क्या करना है, इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, पर हमें
10 को मतलब कि 5 को इंक्लूड नहीं करना, हमें क्या करना है 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ठीक है, हमें नहीं चाहिए अपनी लिस्ट में 5, ठीक है। तो ऐसा कैसे करेंगे हम, तो मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट में 5 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, हमें अपनी लिस्ट में 5 नहीं चाहिए, ठीक है, 5 नहीं चाहिए अपनी लिस्ट में हमें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो आइए वो समझते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी करवाई थी कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर आपको ध्यान है कि हम कैसे यूज़ करते थे तो आप इस प्रोग्राम को कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद जब आई किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। तो हम क्या होगा, मेरी लिस्ट में 5 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इसको मैं रन करता हूँ, इसको सेव करके इसको रन करता हूँ। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10, अब मेरी लिस्ट में 5 इंक्लूड नहीं है। अब लिस्ट के कुछ फंक्शन देखते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे अपनी लिस्ट में से पता लगाना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम कौन है और हमें अपनी लिस्ट का सम करवाना है, तो उन तीनों के लिए फंक्शंस है हमारे पास, मेन, मैक्स और सम। तो वो देखते हैं क्या है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। जैसे कि मुझे प्रिंट करवाना है इस लिस्ट में कौन सा नंबर मिनिमम है, ठीक है, तो प्रिंट मेन फंक्शन यूज करूंगा और लिस्ट का नाम एक्स, ठीक है, तो एल्ट F5 या 1, ठीक है, और मैक्सिमम यूज करूंगा तो मेरी आउटपुट आएगी 10, ठीक है। आप किसी भी लिस्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे अपनी लिस्ट के आइटम्स का सम करवाना है तो सम, ओके, तो 55। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।